नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक आपको पर्सनल लोन कैसे देती है, मतलब आप पर्सनल लोन के लिए कब कब एलिजिबल होते हो, ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप फुलफिल करें तभी बैंक आपको पर्सनल लोन देगी। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, मैं एक एक जेनरिक बात बता रहा हूँ, मतलब आप चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक में जाएं, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक में, HDFC बैंक, ICICI बैंक या किसी भी बैंक में जाएं, अगर आप वहाँ पर्सनल लोन लेने चाहते हैं तो आपको कम से कम ये वाली मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहली बात, बैंक पर्सनल लोन सिर्फ सैलरीड क्लास पर्सन को ही देता है। अगर आपका व्यापार है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ, बैंक आपको पर्सनल लोन नहीं देगा। बहुत रेयर का चांसेस है कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो तो ही देगा, नहीं तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप सैलरीड क्लास होने चाहिए, मतलब आपकी मंथली सैलरी आनी चाहिए। और सैलरीड क्लास में भी आपकी जॉब रेगुलर होनी चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या अभी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। आपकी जॉब जब रेगुलर हो मंथ, तभी आपको बैंक लोन देगा। अब बात आती है सैलरी की। आपकी कम से कम 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी होनी चाहिए। मैं ये एवरेज बता रहा हूँ, लगभग किसी बैंक में 20,000 है, किसी बैंक में 30,000 एलिजिबिलिटी है, तो आप ये मान के चलिए अगर आपकी 25,000 मंथली नेट इनकम सैलरी है, 25,000 इनकम का मतलब है कि 25,000 कम से कम आपके अकाउंट में आ रहे हैं, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट में 25,000 क्रेडिट हो रहे हैं। ग्रॉस हो सकता है आपकी ज़्यादा हो कम हो। अब बात आती है कि सैलरी आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अगर आपको कैश सैलरी मिल रही है, बैंक उसको कंसीडर नहीं करता। आपके मंथली जो भी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, बैंक उसी को कंसीडर करेगा। कई बार कई क्वेरीज ऐसी आती हैं कि साहब मैं तो कैश में 70,000 कमाता हूँ, 80,000 कमाता हूँ, अकाउंट में नहीं आती। बैंक को उससे कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है कि हमें किस बैंक में अप्लाई करना चाहिए। जहां आपका सैलरी अकाउंट हो, आप पर्सनल लोन के लिए उसी बैंक में अप्लाई करें। आपको बैंक लोन तो दूसरे बैंक भी दे देंगे, लेकिन जहां सैलरी अकाउंट है वहां पर एक तो कम कागज की फॉर्मेलिटीज रहेंगी और हो सकता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छी मिल जाए, क्योंकि उनको पता है कि उस बैंक को पता है कि आपकी सैलरी हर महीने उनके ही अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो कम कागज़ की फॉर्मेलिटीज़ हैं। अब मैं आपको ओवरऑल मैं बता देता हूँ मेन मेन पॉइंट जो मैंने डिस्कस करे हैं। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो बैंक आपको पर्सनल लोन कैसे देगा। सबसे पहले आप सैलरीड क्लास होनी चाहिए, मिनिमम सैलरी आपकी 25,000 पर मंथ होनी चाहिए, आपका रेगुलर जॉब होना चाहिए, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, आपको कैश की कोई भी सैलरी बैंक कैलकुलेट नहीं करेगा, और आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो कम से कम रेपुटेटेड कंपनी हो। ऐसा ना हो कि दो तीन एम्प्लॉई हैं, यानी कि कम से कम 20-25 एम्प्लॉई हो उसके अंदर और एक अच्छा खासा नाम हो। अब बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। देखिए, पहली बात तो कि पर्सनल लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिलता है, मतलब आपको बैंक में कोई भी कोलैटरल नहीं रखनी पड़ती, तो डॉक्यूमेंट तो ऐसे ही कम हो जाते हैं। जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न या 2 साल का फॉर्म 16 और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, इतने से डॉक्यूमेंट लेके आप अपनी ब्रांच में चले जाइए, आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप मुरारी गर्ग से एसोसिएट होना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मुझे मैसेज करें। अगर आप मुझसे एसोसिएट हुए तो मैं ये नहीं कहता है कि आप लाख कमा लोगे, करोड़ कमा लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपका बेनिफिट जरूर कर दूंगा कि कुछ ना कुछ ऐसी आपकी जो इनकम है 5,000-10,000 पर मंथ किसी तरीके से शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं अलग अलग आपको लीगल एडवाइस दूंगा कि जिससे आप पैसा कमा पाए, एक पार्ट टाइम इनकम कमा पाए, आप हॉबी की तरह यूज़ करें और इनकम कमा पाए। एक बार आप एसोसिएट होइए, आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप एसोसिएट हो जाइए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एडअप कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल लोन अगर आप कोई बैंक देता है तो किस तरीके से देता है और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।